जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम हैं फिलहाल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में और आज हम लोग सफर करने वाले हैं पुणे तक। स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों रावण मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पीछे अपने लोकल है इस एरिया को तोड़ करके आगे निकल जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को। आप लोगों के लिए स्टेशन को कवर करने के लिए इतनी सुबह सुबह हम लोग पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, देखिए कितना खूबसूरत है ये रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों आज का सफ़र होने वाला है ट्रेन नंबर 01007 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पुणे डेक्कन एक्सप्रेस में। वैसे इस रूट में और भी कई ट्रेनें अभी कोविड के दौरान चल रही हैं, जैसे डेक्कन क्वीन, इंद्रायणी एक्सप्रेस और कोविड के पहले यहां पे सिन्हा घाट, प्रगति एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, ऐसी और भी ट्रेनें चला करती थी। मुंबई पुणे के बीच में बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेन, लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलती हैं, लेकिन ये जो इंटरसिटी ट्रेन हैं ये इस रूट की जान है। वैसे हम लोग आज इस ट्रेन के विस्टाडोम कोच में ट्रैवल करने वाले हैं, उससे पहले आप लोग इंजॉय कीजिए एक शॉर्ट हाईलाइट को। तो दोस्तों इस विस्टाडोम कोच की जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, वो ये है कि जो उसकी सीट है 360 डिग्री रोटेट हो सकती हैं। इसके लिए आपको बस इसे नीचे से यहाँ से प्रेस करना है और आप सीट को ऐसे रोटेट कर सकते हो, और जो सुंदर सुंदर नज़ारे आपने अभी हाईलाइट्स में देखे ना, उन्हें आप यहाँ से बैठ के बड़ी सी लार्ज विंडो में देख सकते हो। अगर आप लोग चार लोग का ग्रुप है तो इसे कम्प्लीट रोटेट कर लीजिए और सब एक दूसरे के आमने सामने हो जाओगे, है ना कमाल की चीज़। तो दोस्तों वो है शंटर लोकोमोटिव जो हमारी ट्रेन को लेकर के आया था, और एग्जैक्टली 7 बजे हम लोग चल चुके हैं अभी CSMT से। अराइवल मैंने आपको बाहर से दिखाया और डिपार्चर में दिखा रहा हूँ लास्ट कोच से, और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं अभी दादर रेलवे स्टेशन से। और अपने आप पूरी पार्टी यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है, ये संदीप भाई पीछे, श्रेयांश इधर, SAB ब्लॉग सौरभ भाई और मयूर भाई तो साथ में शुरू से चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसके डोर्स हैं वो ऑटोमेटिक है, और आपको इस बटन को प्रेस करना है और उसके बाद जो डोर ओपन हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल जो इंटीरियर कैसा है ट्रेन का। हमारी जर्नी जो है शुरू हो चुकी है और जो ग्रीनरी है वो भी शुरू हुई है, लेकिन इस जर्नी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं पुणे तक। बहुत सारे सुंदर सुंदर नज़ारे आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है लगातार बारिश के कारण, तो जो घाट सेक्शन है लोनावाला का वो बहुत ही सुंदर हो चुका है। तो आप लोग से सीधा मुलाकात करूँगा मैं करजत में।
बार दोस्तों मैं किसी टनल को ऐसे देख रहा हूँ, मतलब लास्ट के व्यू से, तो दोस्तों ये है अपने स्टेडियम कोच का वॉशरूम। यहाँ पे देख सकते हैं कितना साफ सुथरा है, मतलब ज़्यादा देर तो नहीं दिखाऊंगा वरना आप लोग अनसब्सक्राइब करके भाग जाओगे, लेकिन वैसे काफ़ी साफ सुथरा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रैवल कर सकते हो, बहुत बढ़िया कोच है। तो दोस्तों यहाँ यात्रियों की सेफ्टी के लिए CCTV कैमराज भी दिए गए हैं और लगेज की जो स्पेस है उसे कुछ ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे आप आसानी से लगेज रख सकते हैं, उसके बाद कोच में एंट्री दी गई है। तो दोस्तों हमारी आज की जर्नी का साथी भी वर्डिएटर ट्रैवलिंग बैग है जो कि सीव कंपनी के द्वारा है और जो मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि मैं इसे इस जर्नी में भी अब यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें जो लैपटॉप वगैरह की सेफ्टी के लिए जो पॉकेट दिया गया है वो काफ़ी कमाल का है। और बेस्ट चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, यहाँ मैंने अपने लैपटॉप को रखा है इसमें इसलिए क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आप देखिए इसमें अंदर एक एयर कुशनिंग भी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अंदर आपको वाइट एयर कुशनिंग दिखाई दे रही है ये आपको आपके लैपटॉप को गिरने से बचाती है, अगर बारिश वगैरह होती है आप स्लिप हो जाते हैं, लैपटॉप बैग आपका स्लिप होता है, कुछ भी होता है ये उस चीज़ से बचाती है। और ये पूरे एंड तक दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। दोस्तों इस बैग का एक और सबसे अच्छा फीचर ये है कि यहाँ पे आपको USB का हिस्सा दिया गया है जहाँ से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी केबल को लगाइए और जो दूसरा हिस्सा आपके फ़ोन में रहेगा और इसका जो एंड है वो आप अपने पावर बैंक में लगा सकते हैं, उस केबल को भी इसके अंदर दिया गया है। इस बैग को आप अगर सीव की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हैं तो आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सत्या 200 कूपन को यूज़ कीजिए, आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ही अच्छा बैग है, कंफर्टेबल बैग है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, सीव की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, इस बैग को परचेज़ कीजिए और अपने ट्रैवलिंग को शुरू कीजिए। तो दोस्तों यही बैंकर लोकोमोटिव हमारे ट्रेन में भी लगाए जाएंगे जो कि पीछे से ट्रेन को पुश करने वाले हैं। हाँ बोलो। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं बैंकल उम्र से अटैच होने ट्रेन से, और यहाँ पे पुश करने के लिए बैंकल उम्र से लगते हैं। तो दोस्तों करजत एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहाँ पे दीवारकर के वड़ा पाव काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने कई बार मेरे साथ जर्नीज में ट्राई किया है। वैसे यहाँ से एक रूट पनवेल गया हुआ है और थाने वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, यहीं से मेन घाट सेक्शन शुरू होता है बैंकर लोकोमोटिव के साथ। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस सफर को। तो दोस्तों अभी हम लोग करजत से तो निकल चुके हैं, मौसम बहुत अच्छा है और मैं सोच रहा था कि कुछ फीचर्स जो हैं इस ट्रेन के मैं आपको बता दूं, इस कोच के फीचर्स। तो ये जो यहाँ पे एक टेबल का फीचर दिया है मुझे काफ़ी यूनिक लगा क्योंकि ऐसा नॉर्मली ट्रेन में नहीं दिया रहता है, आपको अगर मतलब खाना पीना खाना है रखना है तो ये फोल्डेबल टेबल यहाँ पर दी गई है, साथ में हम लोग वड़ा पाव वगैरह इसी में रख के खाने वाले हैं। और ये जो सीट्स हैं कई लोगों को नहीं पता है कि इसमें चार्जिंग सॉकेट्स भी दिए गए होते हैं, तो यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे, लोग ढूंढते रहते हैं इस चीज़ को, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और इसको पुशबैक कैसे करना है उसका फीचर यहाँ पे आपको एक बटन दी गई है, इसको आप प्रेस करके ऐसे पुशबैक कंप्लीट कर सकते हो। बाकी फीचर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाए थे रोटेशन वगैरह के, और ये रहे हमारे वड़ा पाव जिनको अभी हम लोग ट्राई करते हैं और आपको बताता हूँ कैसा इनका टेस्ट। तो भाई ये रहे दीवारकर के वड़ा पाव और जो मयूर भाई लाए हैं, थैंक्स अ लॉट मयूर भाई यहीं पर हैं, और लेकिन मैं इसे खा के बताता हूँ इस बार कैसा, कोविड के बाद पहली बार खा रहा हूँ, टेस्ट बदला नहीं है सच बोल रहा हूँ, और अगर ये चटनी आपको मिलती है तो और टेस्ट जो है इसका बढ़ जाएगा और काफ़ी अच्छा है एज ए ब्रेकफास्ट, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे हमारी ट्रेन लगभग 50 मिनट देरी से आई है, अब देखते हैं पुणे कब तक पहुँचते हैं और घाट सेक्शन शुरू होने वाला है, जल्दी से इसे फिनिश करते हैं और चलते हैं बाहर घाट सेक्शन इन्जॉय करने।
तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ लैंडस्लाइड हुई थी, यहाँ आप देख सकते हैं पूरी मिट्टी बह गई थी, इसे अभी रिस्टोर किया गया है। यही स्पॉट दिखाने के लिए मैं आप लोग को आज इस जर्नी पे निकला था। देख सकते हैं पूरा जो नुकसान हुआ है रेलवे का यहीं पे हुआ है, अभी भी लगातार पानी बह ही रहा है, ऐसा नहीं कि पानी रुक गया हो। इसलिए लैंडस्लाइड हुई थी और ट्रेनें रद्द हो गई थी कल, और आज हमें मौका मिला कि वापस इस रूट पर ट्रैवल कर पाएँ। तो दोस्तों जो लोग बोलने वाले थे कि सत्य भाई आपने थाने नहीं दिखाया, कल्याण नहीं दिखाया, उन्हीं लोगों के लिए था ये कि मैं कंप्लीट रूट दिखाना चाहता था ज़्यादा कवरेज में, इसलिए मैंने बाकी स्टेशन्स को नहीं कवर किया। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, थाने में ट्रेन का स्टॉप है, कल्याण में ट्रेन का स्टॉप है, कल्याण से मनमाड़ वाली लाइन अलग होती है और हम लोग इस लाइन पर बढ़ चुके हैं, और ये जो रूट है बहुत ही खास है, इसलिए मैं चाहता था मानसून में ये रूट आप लोग कम्प्लीटली इन्जॉय करें, इसलिए मैंने उन स्टेशन को ना कवर करते हुए इस रूट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया। धुंधी धुंध है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है।
तो दोस्तों अपने सफर को तय करते हुए हम लोग आते हैं यहाँ पे। बैंकर लोकोमोटिव जो है वो अब डिटैच हो जाएंगे ट्रेन से। इन्होंने बहुत ही मदद की इस अच्छे खासे घाट सेक्शन में हमारी ट्रेन को चलाने में, और यहाँ आप देख सकते हैं बारिश जो है वो रुकी नहीं है। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से जब ही लोकोमोटिव डिटैच हो जाता है उसके बाद। यहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव को डिटैच कर दिया गया। तो आज जा करके इतने लंबे समय पुराना हमारा टारगेट पूरा हुआ इस घाट सेक्शन को मानसून में कवर करने का। और आप लोग देख सकते हैं पीछे कितने सारे बैंकर लोकोमोटिव खड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत रहा ये सफ़र, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और यहाँ पे चाय भी आज की वैसे लोनावला की चिक्की बहुत फेमस है, अगर आप लोग आ रहे हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आज चाय अवेलेबल है, इसे इंजॉय करें। ये व्यू लगातार बारिश और चाय। तो दोस्तों आज का ये सफ़र हमारा पुणे पे यहीं पे एंड होता है। हमारी ट्रेन 1 घंटा 10 मिनट के डिले के साथ पुणे पहुंच चुकी है। खैर मैं बता दूं कि मैंने जो स्टेशन कवर नहीं किए वो काफ़ी छोटे स्टेशन थे, और मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। आज के वीडियो का टारगेट था इस रूट को दिखाना। तो हमारी ट्रेन जब चली थी CSMT से, उसके बाद ट्रेन रुकी दादर, थाने, फिर आई हमारी ट्रेन कल्याण, करजत, उसके बाद नरेल, घर के बाद लोनावाला हमारी ट्रेन रुकी, लोनावाला के बाद हमारी ट्रेन खड़की शिवाजी नगर होते हुए पुणे तक पहुँची। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं शायद इज़ अ ट्रेन गुरु। खैर काफ़ी भयंकर बारिश यहाँ भी हो रही है, अब देखते हैं यार कुछ इंतजाम किया जाएगा, होटल वगैरह में जाएंगे या यहाँ से कोई और ट्रेन ले लेंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ प्लान नहीं आगे का, मिलेंगे जल्दी ऐसे और आने वाले वीडियोज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।